Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. This is your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know, that we have completed our first book that is employability skills, and from today now, we will start our second book, which is related to the practical portion of the information technology. Second book has some units like digital documentation, presentation, spreadsheet, database management system, etc.

एडवांस फीचर्स क्या क्या होते हैं जिनका आप यूज करके अपनी डॉक्यूमेंट का स्टाइल अपीयरेंस चेंज कर सकते हो सो लेट्स बिगिन विद सेशन नंबर फर्स्ट विच इज क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो कैसे अप्लाई कर सकते हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज स्टाइल इस स्टाइल इज ए सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस टेक्स ट्रेन एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस स्टाइल क्या होता है फॉर्मेट्स का एक ऐसा सेट होता है जिनका यूज करके आप अपनी डॉक्यूमेंट के सिलेक्टेड पेजेस हैं टेक्स्ट है फ्रेम्स हैं या आपके डॉक्यूमेंट के दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको आप उनका अपीयरेंस जो है आपकी डॉक्यूमेंट कैसे लिखाई दे रही है आप उसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो इन स्टाइल्स को अप्लाई करके वेन यू अप्लाई ए स्टाइल यू अप्लाई ए वोल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम जब आप स्टाइल अप्लाई करते हो तो स्टाइल का जितना भी ग्रुप होता है जितने भी फॉर्मेट्स आते हैं उसमें जैसे बोल्ड है इटैलिक है अलाइनमेंट देना सभी स्टाइल को सभी फॉर्मेट्स को आप सेम टाइम पर अपलाई कर सकते हो नेक्स्ट वन ये स्टाइल्स आर लॉजिकल एट्रीब्यूट स्टाइल्स लॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं यूजिंग स्टाइल्स मीन्स यू स्टॉप सेन पॉइंट टेन न्यूरोमन बोल्ड सेंटर्ड एंड यू स्टार्ट टाइटल, बिकॉज यू हैव डिफाइंड टाइटल स्टाइल टू हैव दो कैरेक्टरस्टिक्स जैसे अगर आपको कुछ स्पेसिफाई करना हो अपने डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर टाइटल को आपको स्पेसिफाई करना है तो आप ये बोलते हो कि फ़ोन साइज 14 पॉइंट्स है टाइम न्यू रोमन लिया है बोल्ड किया है टेक्स्ट को सेंटर किया है आप ये कहने के बजाय अगर आप स्टाइल का यूज करते हो तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो टाइटल के नेम के थ्रू अपनी डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हो आप अपने टाइटल में वो कैरेक्टरस्टिक्स प्रोवाइड कर सकते हो जैसे कि फोन साइज फोर्टीन पॉइंट टाइम न्यू रोमन बोल्ड सेंटर

जैसे पहले हम क्या स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखाई दे रहा है दूसरे एलिमेंट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं बजाय कि इस पे कि टेक्स्ट क्या है स्टाइल का यूज करके हमारा जो इन्फेसाइज है वो इस बात पर जा सकता है कि टेक्स्ट क्या है स्टाइल्स हेल्प इंप्रूव कंसिस्टेंसी इन ए डॉक्यूमेंट स्टाइल हमारी हेल्प करता है कि हम अपनी डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट को कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं कंसिस्टेंसी इंप्रूव कर सकते हैं हम अपनी डॉक्यूमेंट की दे ऑल्सो मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस इजी इसके अलावा जो दूसरी मेजर फॉर्मेटिंग होती है जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो भी हम स्टाइल्स के थ्रू इजिली कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यू मे डिस इंडेंटेशन ऑफ ऑल पैराग्राफ्स और चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल्स एग्जाम्पल के लिए आपने डिसाइड किया है कि आप अपने पैराग्राफ के सारे के सारे इंडेंटेशन चेंज करना चाहते हो या फिर फॉन्ट है वो चेंज करना चाहते हो सभी स्टाइल्स का टाइटल्स का तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी फॉर ए लॉन्ग डॉक्यूमेंट दैन बी प्रोबिटिव अगर आपकी बहुत लंबी डॉक्यूमेंट है तो ये काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा स्टाइल मेक्स द टास्क ईजी स्टाइल हमारे काम को आसान बनाता है ओपन ऑफिस ऑफ स्टाइल्स ओपन ऑफिस जो होता है वो कुछ स्टाइल्स को फॉलो करता है सपोर्ट करता है फर्स्ट वन इज पे स्टाइल्स पेज स्टाइल्स इंक्लूड include एंड in sequence एंड printing शीट्स जो पेज स्टाइल होता है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है पेज को मार्जन्स देना हैडर्स एंड फूटर इंसर्ट करना बॉर्डर्स और बैकग्राउंड इसके अलावा अगर आप ओपन ऑफिस में कैल्क यूज़ कर रहे हो तो कैल्क आपको एक और फीचर प्रोवाइड करता है कि पेज स्टाइल का यूज करके आप, आप अपनी प्रिंटिंग शीट्स को सीक्वेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ स्टाइल्स पैराग्राफ स्टाइल्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं पैराग्राफ स्टाइल्स कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैराग्राफ्स अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट टैब स्टॉप्स लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर्स एंड कैन इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो पैराग्राफ स्टाइल होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जैसे कि आपके पैराग्राफ का अपीयरेंस क्या है आपका पैराग्राफ कैसे दिखाई देगा टेक्स्ट को अलाइनमेंट देना टैप की क्या स्टार्टिंग पोजीशन होगी टैप स्ट्रॉप पोजीशन आप क्या लगाना चाहते हो लाइन स्पेसिंग आप स्पेसिफाई कर सकते हो बॉर्डर दे सकते हो अपने पैराग्राफ को और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग भी आप इंक्लूड कर सकते हो नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर स्टाइल कैरेक्टर स्टाइल्स क्या होता है कैरेक्टर स्टाइल स्टाइल टेक्स्ट विद इन पैराग्राफ सच एज द फॉन्ट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट और बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट जो करेक्टर स्टाइल्स होते हैं उसका यूज करके हम अपने पैराग्राफ के अंदर सेलेक्टेड टेक्स्ट को पर्टिकुलर फॉन्ट या साइज या बोल्ड इटैलिक फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज फ्रेम स्टाइल्स फ्रेम स्टाइल्स के अंदर क्या क्या, -क्या चीजें आती हैं फ्रेम स्टाइल्स आर यूज फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम इंक्लूडिंग रैपिंग टाइप बॉर्डर्स बैकग्राउंड्स एंड कॉलम्स जो फ्रेम स्टाइल्स होता है उसमें

नंबर फॉर्मेट फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी किसी भी सेल में करेंसी यूज कर रहे हो डेट या नंबर यूज कर रहे हो या फिर आप अगर आप अपने सेल को प्रोटेक्शन करना चाहते हो पासवर्ड लगाना चाहते हो वो सब कुछ भी आप स्टाइल के थ्रू कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज ग्राफिक स्टाइल्स ग्राफिक स्टाइल्स इन ड्रॉइंग एंड प्रेजेंटेशन इंक्लूड लाइन एरिया शेडोइंग ट्रांसपेरेंसी फॉन्ट कनेक्टर्स डायमेंशनिंग एंड अदर एट्रीब्यूट्स जो ग्राफिक स्टाइल्स होता है जैसे कि ड्राइंग या प्रेजेंटेशन में उसमें इंक्लूड किया जाता है लाइन एरिया शेडो देना ट्रांसपेरेंसी फॉन्ट कनेक्टर डायमेंशन प्रोवाइड करना और दूसरे एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन स्टाइल्स प्रेजेंटेशन स्टाइल्स का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं प्रेजेंटेशन स्टाइल्स इंक्लूड एट्रीब्यूट फॉर फॉन्ट स्पेसिंग अलाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन स्टाइल्स के अंदर एट्रीब्यूट जैसे कि फॉन्ट इंडेंट स्पेसिंग अलाइनमेंट और टैब्स को इंक्लूड किया जाता है ये तो थे स्टाइल्स के अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हैं, हैं प्रेजेंटेशन स्टाइल हम कैसे दे सकते हैं is, अगर आपको करना है, तो आप स्टाइल यू टू ओपन ऑफिस हमें बहुत सारे वेज बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है जिनका यूज करके हम अपनी डॉक्यूमेंट को स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट वन इज यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो आप स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग विंडो को यूज़ करके स्टाइल्स कैसे दे सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट को क्लिक द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग आइकन लोकेटेड एट द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट बार और क्लिक फॉर्मेट स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग और प्रेस एफ इलेवन अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट को स्टाइल करना चाहते हो तो स्टाइल्स अप्लाई करने के तीन तरीके हैं अगर आप चाहो तो लेफ्ट एंड साइड जो ऑब्जेक्ट होता है इस तरह का आइकन आपको दिखाई देगा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के लिए आप उस पर क्लिक कर सकते हो या फिर फॉर्मेट टैब में जाके स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो या फिर शॉर्टकट की का आप यूज कर सकते हो दैट इज एफ इलेवन एफ इलेवन इज द शॉर्टकट की फॉर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो शोज द टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल फॉर द ओपन ऑफिस डॉट ओ आर टी कम्पोनेट यू आर यूजिंग जो स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो होती है वो आपको सभी तरह के स्टाइल्स अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पे जितने भी ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल होते हैं फिगर वन शोज द विंडोज फॉर राइटर विद स्टाइल विजिबल जो फिगर वन दिखाई दिया गया है यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है फर्दर नेक्स्ट पेज पे आएगा वहां पे राइटर विंडो को डिस्प्ले किया गया है पेज स्टाइल वहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं कि कौन कौन से पेज स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो यू कैन मूव दिस विंडो टू विनियट पोजिशन ऑन द स्क्रीन और डॉक इट टू एन एज होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड ड्रैग इट बाई द टाइटल बार और टू वीर यू वॉन्ट टू वॉन्ट इट टू डैग अगर आप जहाँ पे भी आपकी जो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो डिस्प्ले हो रही है अगर आप उसे पोजीशन देना चाहते हो तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे किसी भी पोजीशन पे आप कर सकते हो जैसे इसके लिए आपको क्या करना है कंट्रोल की का यूज़ करके आप माउस से ड्रैग करते हुए अगर आप टाइटल बार के पास लगाना चाहते हो तो जहाँ पर भी आप उसे ड्रैग करना चाहते हो वहाँ पर आप स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को लगा सकते हैं नेक्स्ट वन इज क्लिक ऑन वन ऑफ द आइकन एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो टू डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ स्टाइल्स इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर क्या क्या स्टाइल्स हैं वो देखना चाहते हो तो आपको किसी भी एक आइकन पे क्लिक कर देना है उसके बाद जितने भी स्टाइल्स अवेलेबल होंगे उसमें वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे नेक्स्ट वन इज टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल एक्सेप्ट फॉर कैरेक्टर स्टाइल पोजिशन द इनसे पॉइंट इन द पैराग्राफ फ्रेम और पेज एंड देन डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द स्टाइल इन वन ऑफ दिस लिस्ट टू अप्लाई ए करेक्टर स्टाइल सेलेक्ट द करेक्टर लिस्ट करेक्टर फर्स्ट अगर आप कोई भी पर्टिकुलर स्टाइल जो पहले से ही मौजूद है अगर वो आप अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो आप जिस भी डॉक्यूमेंट पैराग्राफ फ्रेम या पेज पर पे लगाना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद उस स्टाइल जो आप अप्लाई करना चाहते हो स्टाइल पे आपको डबल क्लिक करना है वो स्टाइल आपके पैराग्राफ या पर्टिकुलर फ्रेम जो आपने सेलेक्ट किया होगा जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा अगर आप पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्टाइल करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले वो कैरेक्टर सेलेक्ट करना है टिप दी गई है एट द बॉटम ऑफ द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इज द ड्रॉप डाउन लिस्ट जो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो होती है वहाँ पर बॉटम में आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी मिल जाएगी इन फिगर वन द विंडो शोज ऑटोमेटिक मीनिंग द लिस्ट include only styles applied automatically by openoffice you can choose to show all types or other groups of styles for example only custom style जो आपको विंडो डिस्प्ले होती है वहाँ पे ऑटोमेटिक जितने स्टाइल्स होते हैं वही आपको डिस्प्ले होते हैं अगर आप सारे के सारे जितने भी स्टाइल्स हैं वो आप चाहते हो दूसरे ग्रुप ऑफ स्टाइल्स देखना चाहते हो जैसे कि कस्टम स्टाइल्स हैं वो अगर आप देखना चाहते हो तो आप शो ऑल स्टाइल्स पर क्लिक करके सभी स्टाइल्स आप चेक भी कर सकते हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो दिस इज द स्टाइल इन फॉर विंडो फर्स्ट आइकन इज फॉर पैराग्राफ स्टाइल्स नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर स्टाइल्स दैन दिस इज द फॉर फ्रेम स्टाइल्स नेक्स्ट आइकन इज फॉर नेक्स्ट वन इज लिस्ट स्टाइल्स जहाँ पे आपको लिस्ट डिस्प्ले हो रही है दिस आर द टू आस फॉर फिल फॉर्मेट मोड एंड दिस इज न्यू स्टाइल फॉर फ्रॉम सिलेक्शन अपडेट स्टाइल्स एंड लो स्टाइल्स जब भी आप स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करते हो तो इस तरह की आपको विंडो डिस्प्ले हो जाती है अगर आपको इस विंडो को कहीं और अपने डॉक्यूमेंट में आप लगाना चाहते हो ड्रैग करके आप कहीं पे भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड जैसे यहाँ पे एक आइकन दिखाई दे रहा है फिल फॉर्मेट मोड वो किस लिए यूज किया जाता है फर्दर उसी को एक्सप्लेन किया गया है यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड फिल फॉर्मेट मोड इज यूज टू अप्लाई स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड डबल क्लिक एवरी टाइम जैसे कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को स्टाइल अप्लाई करना है तो हम बार बार से फॉर्मेट मेन्यू में जाएं उसके बाद स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे क्लिक करें तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है ये ऑन द अदर हैंड हम क्या कर सकते हैं अगर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो हमारी ओपन है फिल फॉर्मेट मोड हमने ऑन किया हुआ है तो आप अपनी डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी इसे अप्लाई करना चाहते हो कितने बार भी आप अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो This method is quite useful when you need to format many scattered paragraph cells or other items with the same style. ये मेथड फिल फॉर्मेट मोड मेथड हमारे लिए उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूजफुल हो जाता है जब आप अपनी डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं सेल्स हैं या दूसरे आइटम्स हैं उन सभी को सेम स्टाइल अगर आप देना चाहते हो तो आप फिल फॉर्मेट मोड का यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट वन इज इसके लिए आपको क्या करना है ओपन द स्टाइल इन फॉर्मेटिंग विंडो एंड सेलेक्ट द स्टाइल यू वॉन्ट टू अप्लाई इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है स्टाइल इन फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करनी है उसके बाद जो भी स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हो वो स्टाइल आपको अप्लाई करना है उसके बाद आपको फिल फॉर्मेट मोड का जो आइकन है इस तरह से आपको आइकन दिखाई देगा आपको उस आइकन पे क्लिक करना है टू अप्लाई ए पैराग्राफ पेज और फ्रेम स्टाइल ओवर द माउस ओवर द पैराग्राफ पेज और फ्रेम एंड क्लिक अगर आप किसी भी पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हो पेज पे या फ्रेम स्टाइल पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको वहां पे माउस लेके जाना है उस पैराग्राफ पेज या फ्रेम उसके बाद फिल फॉर्मेट मोड को वहां पे क्लिक कर देना है टू अप्लाई अपलाई कैरेक्टर स्टाइल होल्ड डाउन द माउस बटन बाई सेलेक्टिंग द कैरेक्टर क्लिकिंग ऑन वर्ड अपलाईज द कैरेक्टर स्टाइल फॉर दैट वर्ड अगर आप एक वर्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर फिल फॉर्मेट मोड देना चाहते हो तो आपको क्या करना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है उसके बाद फुल फॉर्मेट मोड का यूज करके आप पर्टिकुलर वर्ड या कैरेक्टर को स्टाइलिंग कर सकते हो आपको ये स्टेप रिपीट uh, तब तक करना करते रहना है थर्ड स्टेप जब तक कि जितने भी आप चेंजेस करना चाहते हो जितनी भी स्टाइलिंग करना चाहते हो आपकी वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको स्टेप नंबर थ्री है दोबारा तो से रिपीट करते रहना है पॉइंट नंबर फोर इज टू क्विट फिल फॉर्मेट मोड क्लिक द फिल फॉर्मेट मोड आइकन अगेन और प्रेस द एस्केप की एक बार अगर आप जितनी भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो फिल फॉर्मेट मोड के जरिए वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आप फिल फॉर्मेट मोड को क्विक क्विक करना चाहते हो बंद करना चाहते हो या तो आप फिल फॉर्मेट मोड के आइकन को दोबारा से क्लिक कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से एसके की आप प्रेस कर सकते हो तो फिल फॉर्मेट मोड है आपका बंद हो जाएगा ऑफ हो जाएगा वेन दिस मोड इज एक्टिव ए राइट क्लिक एनी वे इन द डॉक्यूमेंट अनलेस द लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन जब आपने फिल फिल्म मोड का आइकन आपका एक्टिव है ऑन किया हुआ है तो आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी अगर आप राइट right क्लिक कर देते हो तो आपने जो लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन किया होगा वो आपका अंडू हो जाता है बी केयरफुल नॉट टू टू एक्सीडेंटली राइट क्लिक एंड दस अंडू यू कीप अगर आप नहीं चाहते कि आपने एक्शन को अंडू नहीं करना चाहते तो आपको केयरफुल रहना है ताकि गलती से आपसे राइट क्लिक ना हो जाए नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग न्यू कस्टम स्टाइल्स जैसे अभी तक तो हमने किया है अगर जितने भी स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं अगर वही स्टाइल्स आप अपनी डॉक्यूमेंट को अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो किस तरह कौन कौन से स्टेप्स हैं स्टाइल अप्लाई करने के लिए अगर आप फिल फॉर्मेट मोड अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग न्यू कस्टम स्टाइल्स अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो यू मे वॉन्ट टू एड न्यू स्टाइल्स आप कई बार चाहते हो कि हम अपने खुद के स्टाइल्स क्रिएट करें यू कैन डू दिस इन टू वेज हम दो तरीके से ऐसा कर सकते हैं फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन सिलेक्शन के जरिए कोई भी नया स्टाइल क्रिएट करना यू कैन क्रिएट न्यू स्टाइल्स बाय कॉपी एंड एग्जिस्टिंग मैन्यूअल फॉर्मेट अगर आप चाहो तो पर्टिकुलर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो इसके लिए जो पहले से ही मैन्यूल फॉर्मेट है आप उसे कॉपी कर सकते हैं दिस न्यू स्टाइल अप्लाई ओनली टू दिस डॉक्यूमेंट इट विल नॉट बी सेव्ड इन दूसरा स्टाइल आप क्रिएट करते हो यो ये उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे ही अप्लाई होता है इसे आप एज अ टेम्पलेट सेव नहीं कर सकते ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड चूज द टाइप ऑफ स्टाइल यू वॉन्ट टू क्रिएट इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले फॉर्मेट टेब में जाना है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करनी है उसके बाद जो भी स्टाइल आप अपलाई करना चाहते हो क्रिएट करना चाहते हो आपको वो सिलेक्ट करना है

नेम फॉर न्यू स्टाइल वहां पे आपको न्यू स्टाइल के लिए name type करना है. फॉर आप हो, तो कर हो. आप हो आपको वो नाम टाइप कर देना है उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है ताकि आपका जो नया स्टाइल आपने क्रिएट किया है वो सेव हो जाए उसके बाद नेक्स्ट वन इज ड्रैगिंग एंड ड्रोपिंग टू क्रिएट ए स्टाइल आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं You can drag and drop a text selection into the styles and formatting window to create a new style. अगर आप चाहो ड्रैग एंड ड्रॉप करके पर्टिकुलर टेक्स्ट को स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में ड्रैग करके भी नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। Select some text and drag it to the style and formatting window. आपको कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो सेलेक्ट करना है उसके बाद उसे ड्रैग करते हुए स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो तक लेके जाना है. If paragraph styles are active, the paragraph style will be added to the list. अगर आपने उस टाइम पे पैराग्राफ स्टाइल आपका एक्टिव है तो जो भी स्टाइल आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो आपका पैराग्राफ स्टाइल की लिस्ट में ऐड हो जाएगा इफ़ कैरेक्टर स्टाइल्स आर एक्टिव द कैरेक्टर स्टाइल्स विल बी एडेड टू द लिस्ट अगर उस टाइम पे आपने कैरेक्टर स्टाइल्स को एक्टिव किया हुआ है तो आपका जो स्टाइल आप क्रिएट करोगे वो कैरेक्टर स्टाइल की विंडो में ऐड हो जाएगा नेक्स्ट वन इज मॉडिफाइंग स्टाइल्स आपने स्टाइल तो क्रिएट कर लिया है अब अगर आप अपने स्टाइल में कोई चेंजेस करना चाहते हो मॉडिफाई करना चाहते हो वो आप कैसे कर सकते हो ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी प्रोवाइड सैवरल वेज टू मोडिफाई स्टाइल्स ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी जो होता है वो हमें बहुत से तरीके प्रोवाइड करता है जिनका यूज करके हम अपने स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं बोथ द प्री डिफाइंड स्टाइल एंड कस्टम स्टाइल दैट यू क्रिएट जो पहले से बने हुए स्टाइल हैं हम उन्हें भी मॉडिफाई कर सकते हैं और जो हम खुद क्रिएट करते हैं हम उन स्टाइल्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है अपडेटिंग ए स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन अगर आपको सिलेक्शन में से कोई भी स्टाइल अपडेट करना है वो आप कर सकते हो लोड और कॉपी स्टाइल्स फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट अगर आप दूसरी डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट से कोई भी स्टाइल कॉपी करना चाहते हो तो आप उसे भी लोड करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं उसके बाद टिप में दिया गया एनी चेंज यू मेक टू ए स्टाइल आर इफेक्टिव ओनली इन द करंट डॉक्यूमेंट आप जितनी भी एडिटिंग करते हो मॉडिफिकेशन करते हो अपडेशन करते हो वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ही होंगी जो उस टाइम पे आपकी करंट में ओपन है टू चेंज स्टाइल इन मोर देन वन डॉक्यूमेंट यू नीड टू चेंज द टेम्पलेट और कॉपी द स्टाइल इन टू द अदर डॉक्यूमेंट अगर आप चाहते हो कि वो चेंजेस सभी डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएं या फिर एक डॉक्यूमेंट से ज्यादा डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएं तो आपको टेम्पलेट या उस स्टाइल को कॉपी करना पड़ेगा दूसरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेक्स्ट वन इज अपडेटिंग ए स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन सिलेक्शन में से आप कोई भी स्टाइल चूज करके उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं टू अपडेट ए स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन अगर सिलेक्शन में से कोई भी स्टाइल आप अपडेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो आपको ओपन करनी है इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट एन आइटम दैट हैज अ फॉर्मेट यू वॉन्ट टू अडोप्ट एज ए स्टाइल उसके बाद जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है वहां से कोई भी ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है आइटम है वो आपको सेलेक्ट करना है जिसे आप एज ए स्टाइल लेना चाहते हैं उसके बाद मेक श्योर दैट देर आर यूनिक प्रॉपर्टीज इन दिस पैराग्राफ आपको ये मेक श्योर sure होना चाहिए जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ यूनिक हो फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर टू डिफरेंट फोन साइज और फोन स्टाइल दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विल रिमेन द सेम एज बिफोर एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास दो अलग अलग फोन साइज हैं अलग अलग स्टाइल्स हैं तो अगर आप पर्टिकुलर सेलेक्ट करोगे तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सेम ही रहेंगी जैसी पहले थी अगर आपने सेम स्टाइल चूज किया है तो पॉइंट नंबर थ्री इज इन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो सेलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अपडेट स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो आपको ओपन करनी है उसके बाद जो भी स्टाइल आप अपडेट करना चाहते हो वो आपको ओपन करना है सिंगल क्लिक करना है यहाँ पे आपको डबल क्लिक नहीं करना है उसके बाद देन लॉन्ग क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन उसके बाद आपको लॉन्ग क्लिक करना है जो एरो आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन जैसे ही विंडो ओपन होगी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड ऑप्शन इज अपडेट स्टाइल आपको अपडेट स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है दिस इज द अपडेटिंग ए ए स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन विंडो सॉरी जैसे यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल्स हैं वो अवेलेबल भी हैं डिस्प्ले हो रहे हैं लोडिंग स्टाइल्स फ्रॉम ए टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट आप लोड कैसे कर सकते हो जैसे थर्ड ऑप्शन इज लोअर स्टाइल आप पर्टिकुलर टेम्पलेट या डॉक्यूमेंट से किसी भी स्टाइल को लोड कैसे कर सकते हो

उसके बाद आपको स्टाइल इन फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करनी है वहां पे आपको एरो पे क्लिक करना है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन है लोअर स्टाइल उस पर क्लिक करना है ऑन द लोअर स्टाइल फाइंड एंड सेलेक्ट द टेम्पलेट यू वॉन्ट टू कॉपी स्टाइल फ्रॉम उसके बाद आपको वो टैंपलेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप स्टाइल्स को कॉपी करना चाहते हो जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर में जिस भी लोकेशन पे आपने डॉक्यूमेंट को सेव किया हुआ है आपको वो ओपन करनी है फॉर एग्जाम्पल लोड स्टाइल जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे अगर आपका माई टेम्पलेट्स में कोई डॉक्यूमेंट है ड्रॉइंग में है जहां पर भी आपने सेव की हुई है वो आपको ओपन करनी है पॉइंट नंबर फोर इज सेलेक्ट द कैटेगरीज ऑफ स्टाइल टू बी कॉपीड आप जिस तरह की कैटेगरी का स्टाइल कॉपी करना चाहते हो आपको वो कैटेगरी चूज करनी है फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड प्रेजेंटेशन एच वी सिस्टम ड्रॉइंग माई टेम्पलेट यह आपको सेलेक्ट करना है जो भी आप चाहो

इफ़ यू यू विल नॉट सी एनी चेंज ऑन स्क्रीन आपको स्क्रीन पर कोई चेंज दिखाई नहीं देंगे जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे टू कॉपी द स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट क्लिक द फ्रोम फाइल बटन टू ओपन ई विंडो फ्राम विच यू कैन सेलेक्ट द रिक्वायर डॉक्यूमेंट अगर आप किसी दूसरी डॉक्यूमेंट से स्टाइल को कॉपी करना चाहते हो तो आपको फ्रोम फाइल ओपन करना है उसके बाद विंडो ओपन हो जाएगी जिस भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपका स्टाइल है आपको वो स्टाइल सेलेक्ट करना है उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है If your document has a table of contents and if you have used custom styles for heading the heading levels associated with outline levels, tools, tools outlines will revert to the defaults of heading 1 Example के लिए अगर आपने एक document create की हुई है जिसके अंदर tables भी हैं और आप style देना चाहते हो heading को heading levels आप choose करना चाहते हो outline levels तो उसके लिए आपको tools में जाना है आउटलाइन नंबरिंग पे आपको कर, आ, क्लिक करना है इससे क्या होगा विल रिवर्ट टू द ऑफ डिफॉल उसके बाद जो heading 1 है वहां पे आप पहुंच जाओगे उसके बाद अगर heading 2 पे आप जाना चाहते हो पे क्लिक कर सकते हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इसी तरह से हैडिंग थ्री फोर फाइव आप टू तो जितनी भी हैडिंग आप अप्लाई करना चाहते हो जितनी ही भी हैडिंग स्टाइल आप लोड करना चाहते हो आप इस तरीके से कर सकते हो यू विल नीड टू चेंज दिस बैक टू योर यस्टमर स्टाइल उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा उन्हें बाकी वापिस से कस्टम हैथिंग स्टाइल के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा दिस इज अ बग ये एक बग है आप इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी ओपन ऑफिस आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए अगर आपके सिस्टम के अंदर ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट राइटर नहीं है तो आप इसे गूगल से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं जैसे दिस इज़ द ओपन ऑफिस राइटर विंडो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हम लिख लेते हैं उसके बाद अगर हमें स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना है हमें फॉर्मेटिंग विंडो पे क्लिक करना है यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो कीबोर्ड uh, से एफ इलेवन की प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा शॉर्टकट आइकन दैट इज द शॉर्टकट आइकन फॉर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल हम फॉर्मेट ऑप्शन में गए स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग हमने क्लिक किया स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी दिस इज फोर पैराग्राफ स्टाइल नेक्स्ट वन इज करेक्टर स्टाइल दिस इज फ्रेम स्टाइल नेक्स्ट स्पेज स्टाइल एंड दिस इज लिथ स्टाइल जो भी स्टाइल आप अप्लाई करना चाहो आप अपने डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल हमने ये टेक्स स्टाइल कर लिया उसके बाद अगर आप इसे टेन देना चाहते हो तो आपको हैडिंग टेन पर डबल क्लिक करना है जैसे हैडिंग टेन में हमारा डिस्प्ले कैसा हो गया स्टाइल चेंज हो गया अगर आप हेडिंग वन देना चाहते हो तो हैडिंग वन दे सकते हो आप जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो आपके उसको आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना है वो स्टाइल आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा अगर आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ये अप्लाई करना चाहते हो तो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट वन इज फिल फॉर्मेट मोड अगर आप फिल फॉर्मेट मोड का यूज करना चाहते हो वो आप कैसे कर सकते हो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है जैसे आपका आइकन डिस्प्ले हो जाता है जैसे आप देख सकते हो आपका आइकन डिस्प्ले हो चुका है आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो उस पर डबल क्लिक करना है वो आपको अप्लाई हो जाएगा जैसे अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हो आपको वो सिलेक्ट करना है पहले और उसके बाद जो भी आपने हेडिंग सेलेक्ट की हुई होगी उसके अकॉर्डिंग आपका फिल फॉर्मेट मोड है वो डिस्प्ले हो जाएगा जो भी आप कलर देना चाहो जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो फिल फॉर्मेट मोड के जरिए <coughs> आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल दे सकते हो नेक्स्ट जो हमने किया था दैट इज कोई भी नया स्टाइल क्रिएट करना फॉर एग्जाम्पल न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन अगर हमने देखो यहाँ पे सिलेक्ट किया होडिंग सेवन से ही नया स्टाइल अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है अपने स्टाइल को नेम दे दे देना फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नेम दे दिया जो भी स्टाइल मैं बनाना चाहती हूँ और यहाँ पे हमारा हाईलाइट क्या है पैराग्राफ स्टाइल ओपन है तो जो भी स्टाइल हम बनाएंगे वो इसी लिस्ट में ऐड हो जाएगा प्रीति के नाम से मैं नया स्टाइल बनाना चाहती हूँ मैंने ओके कर दिया जैसे हम ओके करेंगे एक नया स्टाइल ऐड हो जाएगा जैसे दिस इज द नेम प्रीति विच आई हैव मेड इट उसके बाद अगर आप अपडेट करना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर स्टाइल को फॉर एग्जाम्पल प्रीति को हम अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हो जैसे अभी हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा फिल फॉर्मेट मोड ओपन है अगर आप इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हो इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है फिर फॉर्मेट मोड है आपका हट जाएगा उसके बाद आपको अपडेट करना है स्टाइल को अपडेट स्टाइल विंडो पे आपको क्लिक करना है उसके बाद जिस भी स्टाइल को आप अपडेट करना चाहते हो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो नेक्स्ट वन इज लोड स्टाइल अगर आप लोड करना चाहते हो स्टाइल्स को वो आप कैसे कर सकते हो इसके लिए आपको न्यू सिलेक्शन वाले में विंडो में जाना है उसके बाद लोड स्टाइल पे आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज अवेलेबल हो जाएंगी अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट की हुई है न्यू स्टाइल के थ्रू तो वो आपको ओपन करनी है और उसके बाद जैसे अभी मैंने कोई यहाँ पे स्टाइल के थ्रू कोई टेम्पलेट नहीं बनाई हुई जो मैंने सेव की हुई हो तो मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर सकती अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ऐसे क्रिएट की हुई है तो आपको वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से माई टेम्पलेट आपने सेलेक्ट किया उसके बाद आप उसे ब्राउज कर सकते हो और उसके बाद अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे आपको ओवर पे क्लिक कर देना है अगर किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको फ्रॉम फाइल क्लिक करना है उसके बाद एक तरह से विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी आपने जो भी डॉक्यूमेंट अगर कोई क्रिएट की हुई है जिसके अंदर स्टाइलिंग है आपको यहाँ से वो ओपन करनी है उसके बाद वो आप लोड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपनी करंट डॉक्यूमेंट में वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हो अगर आप इस विंडो को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं भी लेके जाना चाहते हो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आप करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करना है जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो वो आप कर सकते हो उसके बाद अगर आप क्लोज करना चाहते हो स्टाइलिंग विंडो को वो आप क्लोज कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे जो आइकन्स होते हैं स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स के वो आपको बाय डिफॉल्ट जो ऑटोमेटिक होते हैं वही डिस्प्ले होते हैं अगर आप सारे के सारे देखना चाहते हो जैसे ओल स्टाइल्स आप देखना चाहते हो वो भी आप देख सकते हो अगर आप ऑटोमेटिक देखना चाहते हो टेक्स्ट स्टाइल कौन कौन से हैं लिस्ट स्टाइल कौन से हैं

जो डॉक्यूमेंट है उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ओके स्टूडेंट्स टेक केयर